नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। कुशल कृषि, खुशहाल किसान, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल होता रहा है। देश में वर्षा आधारित धान की खेती 206 लाख हेक्टेयर में की जाती है। इसमें से पूर्वी भाग के 30 लाख हेक्टेयर खेत लगभग हर समय 50 सेंटीमीटर पानी से भरे रहते हैं, जो कि अपने आप में एक बेहद गंभीर चिंता का विषय है। जल भराव की स्थिति में किस्मों की उत्पादन की जो क्षमता है आधे से भी कम हो जाती है। ऐसे में अधिक उपज देने वाली धान की किस्मों का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। क्या है धान की नई किस्मों की विशेषता, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आइए शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश। रॉयटर्स ने कहा, भारत में गेहूं के आयात से होगा समस्या का समाधान। भारतीय खाद्य निगम ने किया 50,000 टन दाल खरीदने का निर्णय। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन। सूखा प्रभावित इलाकों में लोगों को अतिरिक्त काम उपलब्ध कराएगी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरें खेती की। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत मार्च 2017 तक देश के सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिट्टी की जाँच के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना चलाई है, जिससे मिट्टी की जाँच कर उससे बेहतर लाभ लिया जा सके। इसके प्रति गंभीरता दिखते हुए प्रधानमंत्री ने मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत मार्च 2017 तक देश के सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस योजना के प्रति गंभीरता दिखते हुए वर्ष 2016-2017 में 362 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2015-2016 में इस योजना के लिए 142 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसे इस वित्तीय वर्ष में 155% बढ़ाया गया है। इसे सफल बनाने के लिए देश के सभी 643 कृषि विज्ञान केंद्रों के अलावा 2000 मॉडल खुदरा केंद्रों, पैक्सों एवं किसान समूहों को मृदा स्वास्थ्य जांच के लिए लगाया जा रहा है। किसान समूहों आदि को इसके लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। रॉयटर्स ने अल नीनो के मौसमी प्रभाव और बेमौसम बारिश के चलते गेहूं के घरेलू उत्पादन में कमी की आशंका जताते हुए कहा है कि भारत में गेहूं के आयात से समस्या का समाधान हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने वर्ष 2016-2017 के दौरान भारत का गेहूं आयात करीब 5 गुना बढ़ाकर एक दशक के दौरान सर्वाधिक आयात के आंकड़ों को छू सकता है। रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार अल नीनो, मौसमी प्रभाव और बेमौसम बारिश के चलते गेहूं के घरेलू उत्पादन में गिरावट की संभावना जताई गई है। सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत में वर्ष 2011 के बाद गेहूं उत्पादन सबसे कम रह सकता है। रॉयटर्स के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016 में भारत का गेहूं उत्पादन 8.5 करोड़ टन रहेगा, जो 9.382 के सरकारी अनुमान से कम है। रॉयटर्स के सर्वेक्षण में कारोबारियों और विश्लेषकों ने बताया कि भारतीय फसल को लेकर सही तस्वीर कटाई के बाद सामने आएगी। अगर कटाई समय पर हो गई और फसल को नुकसान नहीं पहुंचा, तो तस्वीर में बदलाव भी आ सकता है। केंद्र सरकार ने दाल की कमी की आशंका को देखते हुए एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम ने 50,000 टन दाल खरीदने का निर्णय किया है। हाल के दिनों में दाल की कीमतों में आई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने दालों का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय किया है, जिससे दालों के दाम बढ़ने पर उन्हें बाजार में उतार कर इसके दामों को नियंत्रण में रखा जा सके। इसे सफल बनाने के लिए सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम ने 50,000 टन दाल खरीदने का निर्णय किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के एक अधिकारी ने बताया कि FCI करीब 240 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से मसूर और चने सहित दलहनों की खरीद करेगा। दलहन कीमतों में आई तेजी के बाद सरकार ने 1 लाख टन रबी दलहन की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकारी एजेंसियों ने 50,000 टन के लक्ष्य के मुकाबले 51,000 टन दलहनों की खरीद कर ली है।
एफसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि निगम जल्द ही दलहन की खरीद प्रारंभ करेगा। केंद्र सरकार देश में तेलों की बढ़ती खपत को देखते हुए देश में तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। देश में हर साल तिलहन की खपत में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार को खाद्य तेलों का आयात करना पड़ रहा है। खाद्य तेलों के आयात में काफी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार खाद्य तेलों, विशेषकर पाम ऑयल की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के बारे में विचार कर रही है। इस बारे में खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसानों को पाम ऑयल के उत्पादन के प्रति प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय ऑयल राशि में बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2015-2016 में इस मद में 353 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया था, जिसे वर्ष 2016-2017 में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आवंटित बढ़ी राशि का उपयोग किसानों का खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में खर्च किया जाएगा। देश में सूखे से परेशान क्षेत्र के लोगों को राहत देने का फैसला लेते हुए सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में लोगों को मनरेगा के तहत अतिरिक्त काम उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में लोगों को मनरेगा के तहत अतिरिक्त काम उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार सूखाग्रस्त राज्यों में किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तत्काल राहत देने के लिए निर्णय के तहत मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन या उससे अधिक अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। सूखे की स्थिति की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने कहा कि सूखाग्रस्त जिलों के लिए आकस्मिक फसल योजना तैयार करने और RKVY के तहत सूखा राहत के लिए अतिरिक्त आवंटन पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार के इन कदमों से किसानों को राहत मिल सकेगी। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। देश के मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के उत्तर पूर्वी भागों, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के ज्यादातर भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। किसान भाइयों, खेती से संबंधित समाचारों, खेती किसानी और कृषि जगत से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जल भराव की स्थिति में धान की उन्नत किस्में जल प्रिया और जल लहरी के बारे में। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत देश अन्नदाताओं का देश है, जहां किसान खेतों में बेजोड़ मेहनत कर अपने पसीने से फसलों को सींचता है और जिससे हमें अन्न प्राप्त होता है। पर जितना सामान्य ये सब सोचने पर लगता है, हकीकत कुछ और परे है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों के अधिकतर भागों में किसान धान के उत्पादन में जल भराव की समस्या जूझ रहे हैं। जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने जल भराव के प्रति सहनशील व अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया है। खेतों में हो लहलहाती धान की फसल, मेहनत की मिले अच्छी रकम, कुछ ऐसा ही सपना फसल के साथ बोता है हर एक किसान। चाहता है अच्छा परिणाम, और वहीं अब जल भराव की स्थिति में भी की जा सकेगी धान की खेती। जी हां, किसान साथियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक ये सौगात लेकर आए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में वर्षा आधारित धान की खेती 206 लाख हेक्टेयर में की जाती है। इसमें से पूर्वी भाग के 162 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 30 लाख हेक्टेयर खेत लगभग हर समय 50 सेंटीमीटर पानी से भरे रहते हैं, जो कि अपने आप में एक बेहद गंभीर चिंता का विषय है। तो वहीं जल भराव की स्थिति में IR 36, IR 64, स्वर्णा, राजेंद्र भगवती आदि किस्में जल भराव के प्रति अति संवेदनशील हैं। लेकिन वहीं जल भराव की स्थिति में किस्मों की उत्पादन की क्षमता आधे से भी कम हो जाती है। लेकिन अगर समस्या है तो उससे निजात पाने के लिए उपाय भी मौजूद हैं। और अब जल भराव की इसी समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने जल भराव के प्रति सहनशील व अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया है, जो कि अपने आप में प्रशंसनीय है। इस पहल के जरिए अब जल भराव की समस्या से निजात पाई जा सकती है। यदि धान की खेती के विषय में देश के पूर्वी भारत की ओर नजर करें तो जल भराव की स्थिति में मध्यम प्रतिरोधी किस्म जल लहरी काफी उपयोगी किस्म नजर आती है। और हो भी क्यों ना, जल लहरी किस्म की ये फसल जिसकी उत्पादन क्षमता 43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, अपने ही आप में बेहद खास है, जो कि 143 दिनों में बनकर तैयार हो जाती है। वहीं अर्ध गहरे पानी के लिए अनुकूल किस्म जलप्रिया की उत्पादन क्षमता 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में वर्षा आधारित और देर से बुआई के लिए उपयुक्त किस्म नरेंद्र जलपुष्प की, जिसकी उत्पादन क्षमता 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और जो 118 दिनों में तैयार हो जाती है। दूसरी ओर तटीय ओडिशा के लिए विकसित किस्म स्वर्णा सब एक उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्म है। इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर है, जो लगभग 152 दिनों में तैयार हो जाती है। इस धान की खासियत के साथ ये प्रजाति 2 सप्ताह या इससे ज्यादा दिनों के जल भराव की स्थिति में सुरक्षित रह सकती है। किसान साथी अपने क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चुनाव कर फसल सुरक्षित कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। यदि फसल सुरक्षित होगी तो केवल उसी स्थिति में अच्छे मुनाफे की कल्पना भी की जा सकती है, और अब वही सपना साकार भी होगा। भारत का गेहूं और धान के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। इसका कुल खाद्यान्न उत्पादन 257 मिलियन टन है और ये एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे न केवल उपभोक्ता प्रभावित होते हैं बल्कि किसानों के आमदनी पर भी विपरीत असर पड़ता है। कटाई के बाद आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए एक विशेष कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक रिपोर्ट।
भारत में खाद्यान्न भंडारण समस्या के समाधान के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने शिरकत की। खाद्यान्न भंडारण और कटाई उपरांत हानि से बचाव के लिए इंडियन ग्रेन स्टोरेज वर्किंग ग्रुप के तीसरे सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अभियान यांत्रिकी विभाग तथा क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कार्यशाला को काफी अहम बताया। उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल और उनके प्रशिक्षण पर बल दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि कटाई के बाद की बर्बादी के बचाव के लिए भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण में नई तकनीक के प्रयोग से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकेगी और इस दिशा में इस कार्यशाला का अहम योगदान होगा। हमारे गाँव में किसानों के बीच भी ज्ञान की कमी है, तो प्रशिक्षण देना, हमने सहकारी क्षेत्र में जो प्रशिक्षण की हमारी संस्था थी उसको हमने बात तेज किया है, नीचे तक जिला स्तर पर राज्य सरकारों के माध्यम से। मेरा कोई भी विषय सीधे नहीं, हम राज्य के द्वारा ही हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो इसी प्रकार के इस दृष्टि से भी ट्रेनिंग की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ही सब काम नहीं कर सकती है, हाँ सरकार योजना बना सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप इंडिया योजना प्रारंभ की है, सबके ध्यान में होगा, क्योंकि भारत में खाद्यान्न का जो है वो प्रोसेसिंग स्थिति में उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके सामने नहीं, प्रोसेसिंग के लिए या भंडारण के लिए भी। तो ऐसी परिस्थिति में जो स्टार्टअप इंडिया है उसके तहत जो प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए, इसकी स्थापना उद्यमी नौजवान बेरोजगार करे, ये बहुत बड़ा सुनहला अवसर है। स्टार्टअप इंडिया ने हमको ये अवसर प्रदान किया है कि हमारे युवा उद्यमी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में यूनिट लगाकर स्टार्टअप इंडिया की सफलता में वो अपना योगदान दे सकते हैं और किसानों का भी बहुत बड़ा भला हो सकता है। हम गांव में खेती करने वाले आदमी हैं, विज्ञान और आंकड़ों का बहुत जानकारी नहीं, ये किसान के नाते ही कहेंगे कि जिनके पास ज्ञान है वो देश के काम आए, किसान के काम आए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सद्बुद्धि हम सब के आए। और दो दिनों तक आपका जो ये सम्मेलन चल रहा है इसकी सफलता की भी कामना करते हुए और आयोजक को बधाई देते हुए कि मुझे आपने बुलाया, सभी आयोजक को, ये जो यहाँ तो परिचय हमने दिया विभिन्न संस्थाओं के जो प्रमुख हैं, लेकिन ये जो इंडियन ग्रेन स्टोरेज वर्किंग ग्रुप है इसमें कई लोग जुड़े होंगे, तो इस ग्रुप को, जिस ग्रुप ने हमको बुलाया उसको हम ज्यादा बधाई देंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया। ये इंडियन ग्रेन स्टोरेज वर्किंग ग्रुप, इसका ये तीसरा मीटिंग है। पहला मीटिंग 24 जुलाई 2015 में हुआ था पूसा कैंपस में, एनएससी कॉम्प्लेक्स में। दूसरा मीटिंग 21/11/2015 पूसा कॉम्प्लेक्स में हुआ था और ये तीसरा मीटिंग है। 2015 में और इसके प्रेसिडेंट माननीय कृषि मंत्री जी, उनके अप्रूवल के साथ एक 17 मेंबर के एक कमिटी बनी जो इंडियन ग्रेन स्टोरेज वर्किंग ग्रुप के रूप में माना जाता है। और ये वर्किंग ग्रुप बनाने का ये उद्देश्य ये था
कि जो टेक्निकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है ग्रेन स्टोरेज का, उसके बारे में चर्चा करें और इफेक्टिव ग्रेन स्टोरेज के लिए कुछ कार्यक्रम तय करें, और जो इससे निकल के आता है चर्चा से विभिन्न संस्थान को उसके बारे में बताएं और कैसे उसके रिकमेंडेशन का इंप्लीमेंटेशन हो सही। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किताब का विमोचन किया। कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण के नई तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और प्रदर्शनी से जुड़े स्टॉलों में जाकर जानकारी ली। क्रॉप केयर फेडरेशन के चेयरमैन ने कहा कि ये कार्यशाला खाद्य भंडारण में आगामी चुनौतियों का सामना करने में सहायक होगा। हिंदुस्तान में दिन भर दिन अनाज का प्रोडक्शन बढ़ता है, अभी 250 मिलियन टन हो गया, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी जो स्टोर करना चाहिए वो बहुत कमी है। इसके लिए कैसा अच्छा स्टोर करना, किसान कैसा स्टोर कर सके, और स्टोरेज में जो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन होता है, जंतुनाशक होता है, उसको कैसा बचाना और कैसा अच्छा करके स्टोर कर सकता, इसके लिए प्रोग्राम है। और नई नई टेक्निक आ रही है आजकल, अपना सब्जी फ्रूट किसान अच्छा बनाता है लेकिन बाहर गाँव पोता है तो 30% तक नुकसान हो जाता है, तो कैसा बचाना, कैसा अच्छा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल लोग को मिले, इसके लिए क्या क्या टेक्निक है, उसका सब डिस्कशन होने वाला है। खाद्यान्न भंडारण और कटाई उपरांत उचित तकनीक के प्रयोग, साथ ही खाद्यान्न उपलब्धता में और किसानों के आमदनी में वृद्धि होने में मददगार भी साबित होगी। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/krishidarshandd, फेसबुक पर facebook.com/krishidarshandd, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/krishidarshandd। भेजे हमें मेल krishidarshandd@gmail.com पर। कृषि में बेहतर उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए जहां नई किस्में काफी उपयोगी साबित होती हैं, वहीं कटाई के बाद नुकसान से बचने के लिए नई तकनीकें काफी कारगर साबित हो रही हैं। इस दिशा में किसान भाइयों, आपकी सजगता अनिवार्य है। अब दीजिए अनुमति।